Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says x square plus 1 whole square minus x square equal to 0 has ये जो equation हमें given है इसमें हमें according to the option A, B, C, D बताना है कि जो condition है वो क्या होगी, that is 4 real roots, 2 real roots, no real roots या फिर 1 real roots. Okay, हमें check करना होगा इस equation को. So देखिए, let's start. First of all, write down the given information. गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. देखिए, अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. और अगर आप, मैं क्या करता हूं, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट. ओके, मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल गेट, ये मेरे जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स. ओके, यही तो मुझे मिलेगा. सो एक्स स्क्वायर और एक्स को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, सो माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है. और देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की, हमें चेक करना है नेचर जो है रूट्स का वो क्या होगा. सो डिस्क्रिमिनेंट जो मेरा डी होता है वो इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, जहाँ पे बी होता है मेरा एक्स का कोएफिशिएंट और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी जो होता है मेरा कॉन्स्टेंट टर्म होता है. ओके, सो यहाँ पे देखिए बी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर ए मेरा कितना है, ये वन है, और सी मेरा कितना है, ये भी वन है. सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर दैट इज वन, और ये हो जाएगा माइनस फोर. सो वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, और अगर आप ध्यान दें सो माइनस थ्री जो है मेरा वो क्या है, लेस देन जीरो है. सो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट मेरा डी आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है. ओके, सो दैट मीन्स अगर ये कंडीशन होती है, मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो आता है अगर लेस देन जीरो, सो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नहीं होंगे. ठीक है, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स होंगे. सो दैट मीन्स we can say that hence x square plus 1 whole square minus x square equal to 0 has no real roots. Okay, so option हम check कर लेते हैं, कौन सा option जो है हमारे answer से match कर रहा है. ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तो हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं. वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.